नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं जूनागढ़ में हूँ और ये मेरा होटल है जहाँ पर मैं रुका हूँ और ये मेरा रूम था। आज यहाँ से निकल रहा हूँ और बस के द्वारा हम सोमनाथ तक जाने वाले हैं। यदि इस रूम की बात करें, सिंगल रूम है और 616 रुपये में GST के साथ में ये मुझे मिला, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही। अभी जैसे आपने जो व्यू देखा, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ये होटल, इधर ये रेल का लाइन, तो ये 616 में आपको मिल सकता है। और ये यहाँ अटैच वॉशरूम है, ठीक ठाक रूम, साफ सफाई अच्छी है और अच्छा एक रूम हो सकता है। ये यहाँ चार्जिंग के पॉइंट, सिंगल बेड आपका, ये एक आपको टेबल मिलती है, टीवी है, और ये सामान रखने के लिए है, पंखा है, इस तरह से हर एक चीज़ मिल जाती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज यहाँ से बस के द्वारा सोमनाथ तक जाने वाले हैं, जूनागढ़ से सोमनाथ बस द्वारा। बने रहें पूरे वीडियो में और आप भी मेरे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये हमारा होटल था जिसमें हम रुके एक रात के लिए, और यहाँ हमने वड़ा पाव दाबेली भाई के साथ में और ये नाश्ता किया। आइए चलते हैं बस स्टैंड पे और बस देखते हैं कितने बजे की बस है। और ये जूनागढ़ का बस स्टैंड, यहाँ से हम अभी बस देखते हैं और सोमनाथ निकलते हैं। और होटल की बात करूँ तो ये सामने मेरा होटल है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही। आइए चलते हैं। और ये आज की हमारी बस जो हमें पेरावल तक लेके जाएगी। आइए चलते हैं। Thank you.
और इस तरह से इस बस के द्वारा हमने ये यहाँ तक का सफ़र पूरा किया, जूनागढ़ से सोमनाथ तक का। और ये यहाँ का बस स्टैंड पे हम पहुँच गए अभी। और सफ़र की बात करें, तकरीबन 2 घंटे में 100 किलोमीटर का ये सफ़र यहाँ तक पूरा हुआ और 60 रुपये किराया लगा। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव भी ज़रूर दें। यह विरावल बस स्टॉप है, जो सोमनाथ का दूसरा बस स्टॉप है। यहाँ से सोमनाथ मंदिर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।